एकदम शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे वोटिंग हुआ है, परिवर्तन का वोटिंग हुआ है। यहाँ पे लोग परिवर्तन चाह रहा है। हम लोग लगभग 150+ सीट ला रहे हैं। देखिए, कोरोना का महामारी था, हवा था, ठीक है, और इस जो बीजेपी का सरकार है वो बगलाने का काम किया था। आज कोई नेता कहीं पे सभा दे रहा है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? क्या नाम है सर आपका? बोला कमल जी। कामत जी, बताइए, इस बार वोट गिराकर किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं? परिवर्तन का है। तो कैसा परिवर्तन किए हैं? जो परिवर्तन, नमस्कार, मैं अब्दुल कुद्दूस, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक न्यूज। क्या नाम हुआ आपका? कमल आनंद यादव जी। कमल यादव जी, बताइए कि इस बार वोट गिराए? हाँ, बिल्कुल गिराए हैं। दिखाइए, देखिए। तो किस विधानसभा से हैं आप? बिस्पी विधानसभा से। बिस्पी विधानसभा में कौन से बूथ से हैं? बूथ 286 पे। तो कैसा रहा वहाँ पे बूथ गिराने गए? एकदम बूथिंग, एकदम शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे वोटिंग हुआ है, परिवर्तन का वोटिंग हुआ है। यहाँ पे लोग परिवर्तन चाह रहा है। तो आप वोट गिराए? बिल्कुल। तो आपके अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा कौन था जिसको लेकर के आप बेरोजगारी? तो ये आप वोट गिराए हैं, और इसमें कोरोना काल भी है, और इससे पहले भी जो है सो वोट गिराए होंगे। तो ये इन दोनों वोटों के जो गिराने का अंतर है या किस प्रकार का खुशी है, ये आप यहाँ बता सकते हैं लोगों को? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग बहुत पिछड़े जाति से, मतलब ओबीसी टू से हम लोग निर्गत हैं। यहाँ पे लोगों को देखा जा रहा है कि लोग बाहर से प्लान करें। अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि बहुत सारा लोग कोरोना के मारे बाहर से दौड़े हुए हैं, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देखा गया कि बेरोजगारी जो है ना सबसे बड़ा मुद्दा। चलिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? सुमन यादव जी। सुमन जी, बताइए, वोट गिराए? हम मधुबनी विधानसभा से हैं। और मधुबनी आपका पहले हो चुका है 3 तारीख में? मेरा 3 तारीख। तो अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। और तो इसको आप वोट दिए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार बनाने जा रही है अथवा नहीं? इस बार हम लोग लगभग 150+ सीट ला रहे हैं। चलिए, ठीक है, खुशी है आपको। और मीडिया में आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप स्वतंत्र रूप से वोटिंग किए हैं कि नहीं? जी, हम स्वतंत्र रूप से वोटिंग किए हैं। और या किसी के दबाव में आकर के? कोई दबाव नहीं, हम लोग सिर्फ बेरोजगारी और शिक्षा, इस पे वोटिंग किए। क्या नाम है आपका? रमेश यादव जी। बताइए, वोटिंग किए हैं तो किस प्रकार का अनुभव रहा इस बार? इस बार हम लोगों को पूरा अनुभव है कि तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, वोट गिराने जो गए थे तो कैसा माहौल है वहाँ पे वोटिंग प्लेस पे? बहुत ही अच्छा माहौल है, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। इससे पहले भी वोट गिराए होंगे और अभी भी वोट गिराए हैं? जी। कोरोना काल है, अभी पहले नहीं था जी। ऐसे में आपको इस बार वोट गिरा करके किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? देखिए, कोरोना का महामारी था, हवा था, ठीक है, और इस जो बीजेपी का सरकार है वो बगलाने का काम किया था। आज कोई नेता कहीं पे सभा दे रहा है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? लोगों को ये कोरोना पे करके, बेरोजगारी करके, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया, क्या समझे? तो जब आप इस बात को जानते हुए थे कि कोरोना है और वोट गिराने जा रहे हैं, तो वहाँ तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, तो उससे आप खुश नहीं है क्या? नहीं, तमाम सुविधा क्या कराए गए थे? वो ग्लव्स दे दिया गया था, एक हाथ में ग्लव्स लगा लीजिए, एक हाथ खुले रखिए, मुंह में न मांस दिया गया था, न कुछ दिया गया था, सिर्फ जाए आप वोट गिरा कर, एक हाथ पन्नी वो लगा दिया गया था, वोट गिरा कर। क्या नाम है सर आपका? बोला कामत जी। कामत जी, बताइए, इस बार वोट गिरा कर किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं? परिवर्तन का है। तो कैसा परिवर्तन किए हैं? जो तेजस्वी यादव। चलिए, तो सरकार अब जिसकी बनेगी 10 तारीख को फैसला होगा। तो आप वोट गिराए हैं कोरोना काल में, तो इस बार का वोट गिराने का अनुभव और इससे पहले जो वोट गिराए हैं, तो इन दोनों में किस प्रकार का अंतर पाए हैं? पहले तो जो था सो था, अभी तो परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन तेजस्वी को लाना है इस बार हम लोग को, वही तेजस्वी की वजह से फोन किए हैं। किस विधानसभा से हैं? 35 बिस्पी। और वार्ड नंबर 3। किस गांव से हैं? सप्ता। और बूथ संख्या कितना है? बूथ संख्या 266। थैंक यू जी। आप देख रहे थे कि मैं बिस्पी विधानसभा 35 के सप्ता पंचायत पार्वती टोल नहर पे आए थे, और यहां पे सहनी मुखिया महल्ला यादव और अदर प्रजाति के भी लोग थे, जिसने आज तीसरे चरण के जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें वोटिंग किए। तो किस तरह
जो भी मतदान अपना अधिकार के लिए वोट किया, किस तरह खुशी महसूस कर रहे हैं अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए। इसी तरह हमारे देखते रहिए आप मिथिला दस्तक न्यूज़। मैं अब्दुल कुदुस आपसे विदाई चाहता हूँ, धन्यवाद।